ठंड है वो -3 -4 इस पे जा रही है तकरीबन। सो विल यू गाइज प्रोवाइड अस मैट्रेस और समथिंग लाइक यू नो कैन यू comes on हाँ दिस first. इज ऑब्वियसली गॉन यू कैन Yeah, this one. यू शो मी द किचन Kitchen is empty. गुड। तो वाइज ये माइक जिसकी बात कर रहा था मैं इन्हें सुना है ऑडियो वगैरह इसकी बहुत बेहतरीन है तो इसको ट्राई करते हैं अभी। है बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं घर देखने, काफ़ी टाइम से घर मिल नहीं रहा था। माइक भी आपके भाई ने लगा ली है तो कैसी है एज़ कम्पेयर टू वैसे। पीछे गाड़ियाँ भी जा रही हैं, शोर बहुत ज़्यादा है पीछे, लेकिन लेट्स सी कितना फ़र्क है। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ से तकरीबन 4 मिनट में उसके बाद हम आगे निकलेंगे। गाड़ी क्रॉस कर रही है, नॉर्मल में वैसे बहुत ज़्यादा शोर होता। अभी यहाँ पे आप चेक करें कैसा सीन है, चेक करें ये मेरा साउंड है विदाउट माइक, भी आपको पीछे से शोर बिल्कुल फील होगा। वैसे काफ़ी टाइम से हेयर कटिंग भी करवानी थी हमें, वो भी नहीं करवाई है। कल यूनिवर्सिटी भी जाना है तो वो सोच रहे हैं आज वो भी करवा लें, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। वैसे मैंने माइक ली हुई थी लेकिन नहीं कर रही थी प्रॉपर, तो ये बोया के लिए ये काम बहुत बेहतरीन कर रही है। तो यार अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तकरीबन 10 मिनट में स्टेशन पहुँच जाएंगे। ये सामने आप चेक करें, प्रॉपर मैप वगैरह फॉलो करना होता है हमें, एक्सेस कर पाते हैं हर चीज़ को। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी है कि हर 5 मिनट में आपको बस मिलेगी और ट्रेन भी, तो इतना मुश्किल है नहीं। अभी ये फ़िलहाल तो ठंड बहुत ज़्यादा है और माइक चेक करें, मेरे मास्क लगाया हुआ है और शोर भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वर्क बहुत प्रॉपर कर रही है माइक। यहाँ पे इन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि जो भी लोग हैं जितने भी अमीर हो रिपब्लिक, क्योंकि कम टाइम में आपको पहुंचाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज़ कम्पेयर टू अपनी खुद की गाड़ी। टैक्सेस तो बहुत अप्लाई किए हुए हैं यहाँ पे। भाई आपका भाई पहली बार जो है कंफ्यूज हुआ है, लाइक इट वाज मैसअप, पूरा मैसअप में हो गया और मुझे मिल ही नहीं रही थी प्रॉपर जो है ना प्रॉपर गाइडेंस लेके फिर यहाँ पे आगे पहुँचा हूँ। और आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल और यहाँ पे सोच रहे हैं हम घर लें, हमाद भाई वाले भी करीब हैं और मुनासिब भी मिल रहा है हमें। वैसे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इस पर, जो भी स्ट्रगल्स हैं यहाँ पे लॉ स्टूडेंट की और वैसे जनरली मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो। और कल से जो ठंड है वो -3 -4 इस पर जा रही है तकरीबन। कल मेरी व्यूइंग किसी और दिन थी लेकिन दिन पहुँच नहीं पाया तो आज आया हूँ मिस्टर एडम है कोई उनसे मिलने एजेंट है। हियर ऑन योर लोकेशन इट्स सॉल्यूशंस। See there, there it is. There, you come down here. Okay, all good. So हम आ चुके हैं यहाँ से, हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं कैसा सीन बनता है। वॉशरूम है, that's it. What's up, view? Will you guys provide us mattress or something like, you know, can you? It comes unfurnished. It's the same size. So this is a room. Oh, this is obviously gone. Yeah. Yeah, this one. There's the washroom. Okay, all good. Can you show me the kitchen? Kitchen. Yeah. Okay. Good. यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला ये हो रहा है सबके लिए, एक सारे हैं उनको चाहिए गारंटोर, एंड गारंटोर मिलना यूके में इट्स लाइक क्वाइट टफ। हो मुझे तो एक मिल गया है, अभी मेरे दोस्त को भी चाहिए होंगे अपना जो घर है, तो लेट्स सी क्या बनता है। अभी हम चलते हैं स्ट्रेटफोर्ड क्योंकि वहाँ से हमें JD स्पोर्ट्स पे जाना है और नाइकी का कोई बैग लेना है, क्योंकि ट्रेवल कर रहा हूँ तो ये बाइक हो गया लैपटॉप हो गया इट्स क्वाइट टफ टू हैंडल। भाई यहाँ पर डिप्रेशन के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, भले वो गोरे क्यों ना हो उन्हें भी डिप्रेशन होता है, ये चीज़ें हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो अभी इस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी यहाँ पे चेक करें ये पेडेस्ट्रियन खड़े हैं, बिकॉज रेड लाइट है और यहाँ पे और सारे खड़े हो जाएंगे, गाड़ियाँ जो है ना स्टॉप हो जाएंगी। स्क्रीन लाइट कोई भी बीच में नहीं आएगा, दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस। यहाँ पे शुगर के केसेस कम ही होंगे क्योंकि जितनी वॉक है तो शुगर यहाँ पे आना ही नहीं चाहती होगी। पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान की याद आती है, हमें वॉक करें वहाँ पे गाड़ियाँ में घूमते हैं। यहाँ पे कमरा आपने जो देखा ये इसका हम 3 लाख रेंट देंगे तो आपको प्रॉपर घर मिल जाता है। तो लेकिन इट्स ऑल अबाउट लर्निंग और डिफ़िकल्ट फेज से बंदा सीखता है, सीखने आए देखते हैं कितना स्ट्रगल कर पाते हैं यहाँ पर। अभी तो जॉब वगैरह भी नहीं की हमने, तो अभी हम जाएँगे स्ट्रेटफोर्ड और
ये इसका मैप यहाँ पे लगा हुआ है, सारी चीज़ें जो मोबाइल में के लिए मैप को फॉलो करते हैं हम लोग, और जो ट्रेन आनी होती है वो ऊपर यहाँ पे लिखा होता है इस जगह पे। तो हम आ चुके हैं स्ट्रेटफोर्ड, 5 मिनट लगे और अभी वॉक करेंगे तकरीबन 10 मिनट की, फिर से वॉक है, उसके बाद हम पहुँचेंगे नाइकी के आउटलेट पे। सो हम आ चुके हैं मॉल में, अभी ढूंढ रहे हैं हमारे भाई से गाइडेंस ली के, भाई कहाँ पे मिल ही नहीं रहा था हमें। यहाँ पे जो है वो स्कूल करीब है मेरे ख्याल से, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वही बैग लेने आए तो ये सारे पड़े हुए हैं। सो वी हैव गॉट द बैग, और उसके बाद अभी तो वो भी सोच रहा हूँ कि चेक कर लूँ। ये शाम के 4 बजे, ये सीन है भाई, सूरज हुआ मतम। तो फाइनली हम वापस आ चुके हैं पे, भाई हैवी ठंड है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है आज। बाकी जो मैं बैग की बात कर रहा था, दिस इज़ द बैग जो मैंने लिया आपके लिए चाहिए था, और इसमें दूसरी एसेसरीज भी मैं कैरी कर सकता हूँ। गाइस थिंग इज दैट हमें कल की भी तैयारी करनी है, कल कपड़े पहन के जाना है, वो भी हमें डी वगैरह करने हैं और जूते वगैरह निकालने हैं, सॉक्स, क्योंकि कल मुझे सुबह सवेरे निकलना है, यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर है, तभी मैं एकोमोडेशन चेंज कर रहा हूँ अपनी। मैंने हेयर कट भी नहीं करवाई क्योंकि मैं पहुँचा यहाँ पे 6 बजे, तो गूगल मैप पे मैंने जैसे ओपन किया तो कितनी बंद, तो गूगल मैप साहब ने यही बोला मुझे, ब्लैंकेट में आप जाके सो जाएं। मतलब यही है कि सुबह सवेरे उठना है, काम करना है, हेयर कट कराने जाना है। सो अभी तो सामान निकालेंगे यहाँ से, बैग दो मेरे पड़े हुए हैं जो वहाँ से लेकर आया था वैसे के वैसे ही। खैर अशफाक भाई आ चुके हैं डिनर, और उसके बाद हम खाएंगे खाना। ये माशाल्लाह हम बना बारबेक्यू, शेफ अशफाक। तो यार खाना तो हो चुका है ख़त्म, तो आराम कर ले, आराम मतलब आराम, तो उसके बाद सुबह उठना भी है जल्दी। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।